यूपी फिर तैयार खड़ा है कमल का बटन दबाने को, कमल का फूल खिलाने को। बात हो रही है आजमगढ़ उपचुनाव लोकसभा का। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल निरहुआ पुनः घोषित हो चुके हैं, ये आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विकल्प के तौर पे बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उनके सामने उतारा है। पहले तो ये हुआ कि रमाकांत यादव ने पर्चा खरीदा, फिर इसके बाद ये हुआ कि नहीं पार्टी की मुखियाइन लड़ेंगी डिंपल यादव, लेकिन वो भी नकार दिया गया। फिर पार्टी के छोटे भैया जी आए हुए हैं उनके समक्ष लड़ने के लिए, लेकिन 2019 में जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी, पूरा एनडीए कुनबा 350 सीट हासिल किया था जिसमें 300 अकेले बीजेपी थी। उस वक्त भी भैया ने चुनाव लड़ा था, मतलब कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, लेकिन फिर से ये लोकसभा उपचुनाव लड़ने आए हैं। इस बार आपने काफ़ी प्रशंसा योगी जी की है, काफ़ी गाना गाया है, बड़ा गाना सुर्खियों में आपका रहा है कि घूस जला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। ये बुलडोजर भरोसे जीत होगी का? 100% होगी, क्योंकि बुलडोजर जो है वो बुलडोजर चलता है आतंक के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और निर्माण के लिए भी चलता है। वो बुलडोजर चलता है तो अच्छे अच्छे निर्माण भी करता है, और जो लोग समाज में ऐसे हैं जो गरीबों को सता रहे हैं, जो सरकार की ज़मीन हड़प के रखे हैं, जो दो नंबरी वाले हैं, हाँ, तो उन लोगों के ऊपर तो बुलडोजर चलता है और चलता रहेगा। अब तो योगी बाबा के बुलडोजर के मॉडल पे बाकी राज्यों में भी चलने लगा है। निरहुआ, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपको ये नाम जो मिला ये तो आपके फिल्मी कैरियर की वजह से मिला, लेकिन आप इतनी प्रसिद्धि तो पाएंगे, अगर जीत हुई तो इतनी प्रसिद्धि तो पाएंगे कि आजमगढ़ में कमल का फूल खिलाने वाला वो लाल, वो योगी जी का सबसे कारगर सेवक साबित होंगे आप। तो ये बताइए कि पिछली बार से कॉन्फिडेंस बढ़ा है या कॉन्फिडेंस लेवल सेम है? बढ़ा है, और बढ़ने का कारण ये है, मैं एकदम आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ जिसे आप भी जान जाएंगे। मुझे दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ क्यों भेजा? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जो किसी सोर्स पे या किसी भी चीज़ पे किसी को टिकट दे दे और दोबारा दे दे, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। पर मुझे भेजा है पार्टी ने तो उसके पीछे रीज़न एक ही है कि मैं यहाँ से चुनाव हारा, लेकिन उसके बाद भी 3 साल तक जो हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जय श्री राम, आइए प्रभु, तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन पांचों विधानसभा की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मैं चिन्हित करता था और ले जाकर के मुख्यमंत्री जी के टेबल पर रखता था कि ये देवारा की समस्या है, ये मुबारकपुर की समस्या है, ये सदर की समस्या है, ये मेहनगर की समस्या है और इस पर काम होना चाहिए। काम शुरू हुआ तो फिर हमारी पार्टी ने, महाराज जी ने देखा कि जब ये हार गया तब रोज इतना काम लेके आता है, हर महीने चला आता है कुछ ना कुछ लेके, अगर आजमगढ़ की जनता इसको जिताती है तो ये आजमगढ़ के लिए अच्छा करेगा, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा टिकट दिया। एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगी बीजेपी ही जीतेंगे ये योगी जी। आपने कर दिखाया महाराज, लेकिन क्या कारण रह जाता है कि पूरे पूर्वांचल नहीं, हम समस्त उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कि ये आजमगढ़ जब भी कमल खिलाने की बारी आती है तो सेकंड पायदान पर रह जाती है, बीजेपी फर्स्ट पे नहीं आ पाती। इस बार क्लीन स्वीप हो गई है विपक्ष के द्वारा, क्या कारण है सर, क्यों ये बात क्यों सामने आती है बार बार? कहीं ना कहीं सच पूछिए तो एक ही है कि लोगों को भ्रम था, और उस भ्रम को मिटाने के लिए मैंने वो गाना बनाया था, क्योंकि मैं अपने लोगों के बीच में रहता हूं तो मैं जानता हूं कि कौन कितना भ्रम में जी रहा है। चूंकि मेरे घर में भी भ्रम में जी रहे हैं लोग, मैं सिर्फ बाकी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे परिवार में भी हैं लोग जो यही कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो मुझे लगा कि इन लोगों का भ्रम दूर कर दिया जाए ताकि ये किसी भी भ्रम में कोई गलत डिसीजन ना लें। इसलिए मैंने गाया था कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही। वो इसलिए कहा था, योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, इसके पहले कोई सरकार ऐसी बनी क्या जो गरीबों के घर में राशन बांटती हो, मुफ्त में राशन इतने दिनों से बांट रही है सरकार, ऐसी सरकार कभी आपने देखा?
चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी घर घर में जो योजनाएं पहुंचाए, पैसे खाते में पहुंचाए, आज तक कोई सरकार ने किया क्या? नहीं किया। तो गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों की सरकार है, वो कैसे जाएगी? वही जीतेगी, उसी कॉन्फिडेंस में मैंने गाया था और वही हुआ। अगर आपको इस बार जनता प्रतिनिधित्व दे देती है, चुन लेती है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बन जाएगी? नहीं, क्यों बनेगी, फिल्म इंडस्ट्री यहीं आ जाएगी आजमगढ़ में। क्या बात है। आजमगढ़ के लिए और इस चुनाव के लिए विपक्षियों को तंज कसने के लिए कोई गाना होना बनाया है कि नहीं इस बार? बिल्कुल बनाया है। सुनाइए। और ये भी देखिए, मैं फर्जी नहीं कह रहा हूँ कि यहीं आ जाएगी, यहीं बगल में मेरा घर है गाजीपुर, गया हूँ सर। हाँ, तो वहाँ फिल्म बनाने की सारी सुविधा लगा दिया है मैंने, तो वहाँ फिल्म बनाने की सारी सुविधा लगा दिया है मैंने, कैमरा से लेके एडिटिंग तक। तो टणवा में ही जब फिल्म बन रही है, करीब लॉकडाउन से अब तक 8 फिल्में टणवा में बन चुकी गाजीपुर में। तो अगर मैं आजमगढ़ में रहूँगा तो मुंबई मुझे जाना नहीं पड़ेगा, टणवा से सब यहाँ आ जाएगा और यहीं बनने लगेगी फिल्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। के लिए जो आजमगढ़ के लिए गीत है उसको जरा कुछ पंक्तियाँ सुनाएंगे क्या? बिल्कुल। ए भैया कमल के बटन द भैया, ये गाना मैं चाहता हूँ मैं महाराज जी के साथ गाऊँ। आइए महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी ये गाना हो जाए। चलिए। ए भैया कमल के बटन द भैया, ए भैया कमल के बटन द भैया, क्योंकि भुलावा में जन तू आईहा, क्योंकि भुलावा में जन तू आईहा, ए भैया कमल के बटन द भैया, ए भैया कमल के बटन द भैया। जय श्री राम। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, ये थे हमारे साथ प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़, जिन्होंने अपील के साथ कहा कि ये भैया कमल के बटन द भैया, केहू के बहकावे में जंतु भैया। अब देखने वाली बात ये होगी, 14 से 15 दिनों का ये सियासी समर बहुत गर्मी खाने वाला है और कितनी टक्कर होने वाली है ये सब आपके सामने है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी।